भोजपुरी फिल्म को हर कोई जानता है, बंगाली हो साउथ हो, यानी हिंदी से ज़्यादा साउथ की मूवी लोग पसंद करते हैं। और आप सबसे ज़्यादा सब्सिडी की वजह से यूपी में शूट होता है, लेकिन यूपी का नाम कोई नहीं देता, सबका नाम आके हैं बॉम्बे की फिल्म बड़ी फिल्म बन जाता है। ये मोहब्बत अभी कैसे जाएगी? हिंदी लैंग्वेज में होगी, जो अपनी यूपी में लैंग्वेज होती है उसी में होगी। अच्छा। और यूपी के ऊपर ही टोटल फिल्म होगी। फैशन शो की बात करें तो ऑडिशन कब से स्टार्ट होगा और किन किन शहरों में होगा उसके बाद में? नहीं, पहला हमारा राउंड मेड से है, पहला हमारा राउंड मेड से है, और ऑडिशन पहले मेड होगा, फिर हम आगरा जाएंगे, लखनऊ, फिर इसी तरीके से जितना हमने नाम दिया सब जगह वन बाय वन करके जाएंगे। तो इसमें जज कौन होगा? अभी डिसाइड नहीं किया, और शो के अनुसार ही देखेंगे, जैसा जमेगा वैसा करते जाएंगे। क्योंकि हाँ नहीं, मेल फीमेल दोनों के लिए है, थोड़ा प्रोसीजर लंबा है, दो तीन महीने जाएंगे तो उसी हिसाब से फिर सिलेक्ट करते जाएंगे। अभी कोई फाइनल नहीं है कि जज किसको लिया जाएगा। तो प्लीज फैशन शो में से कितने लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं के लिए? नहीं, जो मेन लीड के लिए जाएंगे तो फाइनल से ऊपर से तीन ही जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद जो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उसको भी हम लेंगे। ऐसे नहीं जो फाइनल में नहीं पहुँचेंगे तो उनको नहीं लेंगे, जैसा कास्टिंग होगी कास्टिंग के अनुसार हम उन्हें काम देंगे। अभी सरकार द्वारा 500 और 1000 की नोटों को बंद कर दिया गया था, कल बैंक और एटीएम भी बंद है, तो कोई समस्या कोई तकलीफ हुई आप कुछ बताना चाहेंगे? ये तो समस्या मुझसे क्या, आपको भी समस्या हुई है, अभी आप ऑटो से बस से ट्रेन से कैसे भी आए होंगे, आपको भी सामने आई होगी समस्या। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा समस्या आम लोगों को ही है, क्योंकि जो काला धन है, काला धन आज नहीं तो कल एक साल के बाद उनका फिर पहिया वैसे ही घूम जाएगा जैसा अब चल रहा था। परेशानी होगी सिर्फ, उन्हें परेशानी इतनी है 100 रुपये होंगे वो 40 में चलाएंगे, लेकिन वो अपना उल्लू सीधा जब भी करेंगे। अभी परेशानी जो भी है आम लोगों को, इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। मोदी के इस फैसले से मतलब आप खुश नहीं है? नहीं नहीं, खुश हूँ, अच्छा है, बस यही बोलना चाहूँगा, अगर ये कदम उठाया तो थोड़ा पहले आम लोगों के बारे में सोच लेते, ये जो बाद में काम हो रहा है ये थोड़ा पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जो ये कदम उठाए बहुत अच्छा कदम उठाया, इससे लाभ ही होगा देश को। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून ऑल मीडिया, और थैंक यू, क्योंकि मैं हमेशा मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, और मैं बादल जी के इस इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आई हूँ, बिकॉज इन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है। आई एम एक्ट्रेस, तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि जो भी नए कलाकार हैं उभरते हुए उन लोगों को मौका मिले, और बादल जी जैसे प्रोड्यूसर हमेशा आएँ, बिकॉज क्या है, नए नए जो भी कलाकार हैं उनको चांस मिलना चाहिए, और इतनी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री में अगर कोई रिस्क ले रहा है तो बादल जी ले रहे हैं, तो हेड्स ऑफ। मुझे हर जगह जितने भी हिंदुस्तान में शूटिंग होती है ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में शूट करते हैं जी, और उसको हिंदी फिल्म दे दिया जाता है नाम, बट जैसे कि बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, इन लोगों का अपना एक लैंग्वेज है, तो इनको एक मराठी फिल्म का नाम देकर मराठी से पैसा कमा लिया जाता है, बट उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं है कहीं, जो भी अगर फिल्म बनती है उत्तर प्रदेश में तो उसके लिए क्या उठा रहे हैं बादल जी, तो आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मैं तो इसीलिए बहुत इम्प्रेस हूँ कि हाँ बादल जी अगर यूपी को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज अगर यूपी से हम सब्सिडी लेना जानते हैं तो यूपी को ऑफकोर्स प्रमोट करना भी चाहिए हमें, और मैं बादल जी के साथ हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया, और अगर उनको मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आई एम विद बादल जी। तो बादल जी की इस फैशन शो में और फिल्म की बात करें तो आप कितना उसमें दिखने वाली हैं, आपका क्या सेव होगा? देखिए, अभी तो ये बाद में डिसाइड हो पाएगा कि फिल्म के साथ कौन अंदर एंटर करता है और कौन नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हूँ कि हाँ, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट में अभी तक उनका नाम नहीं आता है, तो दिस इज़ टू बैड। अगर कोई आपको कोई चीज़ अच्छी करके दे रहे हैं और आप सब्सिडी भी उनसे लेने जा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूर उनका नाम देना चाहिए, डेफिनेटली। जी, अपकमिंग मेरी बहुत सारी मूवीज़ आने वाली है, एक धी पंजाब जी करके मैंने पंजाबी मूवी की है, एक ड्रीम सिटी मुंबई करके मैंने एक मूवी की है अभी, और इंशाअल्लाह है मेरी मूवी, ऐसे मेरी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो अपकमिंग मूवीज़ हैं मेरी। मोदी जी के रिएक्शन पे आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मोदी जी से तो मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है वो सडनली जो किया है वो बहुत गलत किया है, और अभी तक भी जो भी उन्होंने किया है मैं अभी तक उनसे किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, अगर मोदी जी को काला धन वापस ही लेके आना था तो सबसे पहले वो बाहर से लेके आते ना, स्विस बैंक की प्रॉमिस किया था उन्होंने, ये नहीं कहा था कि पहले हम अपने देश के ही लोगों को पहले मतलब अटैक करेंगे तो हम अपने देश के लोगों पे ही अटैक करेंगे, उससे क्या होगा, बड़े जो जितने भी लोग हैं ना उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्या है, सरकार मोदी जी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार हो, सब अपना फ़ायदा ही सोचते हैं, ठीक है, तो इससे आम जनता को बहुत प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, और आम जनता को हो रही है। आज भी मेरी मॉम यूपी बिहार से बिलोंग करती हैं और शी इज़ इन बिहार राइट नाउ, तो मुझे मालूम चला कि वहाँ पे दो तीन लोगों की डेथ हो गई सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ पैसे ना अरेंज होने की वजह से,
और जैसे आम पब्लिक है वो कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे 500 रुपए का नोट 1000 का नोट लेने के लिए अलाउ है, बट एक बात बताइए क्या 500 रुपए का और 1000 रुपए का पेट्रोल हर एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला कहता है कि आप पूरे 1000 रुपीज़ का पेट्रोल डालेंगे तभी हम आपका 1000 का नोट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम आपका 1000 का नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप अगर 100 या 200 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत डिसीजन है। और सबसे बड़ी बात, अगर मोदी जी इतना ही अच्छा करना चाहते थे तो क्या उन्हें ये नहीं मालूम था विजय माल्या यहाँ से 9000 करोड़ रुपए लेके जाने वाला है? सबसे पहले तो उन्हें ये रोकना चाहिए था कि 9000 करोड़ रुपए जा कैसे रहे, तभी तो मोदी सरकार ही थी। इनकी जो लिस्ट आई है उसमें बीजेपी के काफी लीडर हैं। बिल्कुल है, उसमें बड़े बड़े नाम बिल्कुल है। आप चेक करिए अमित शाह जी के सबसे ज्यादा पैसे, तो आप खुद देखिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि पॉलिटिकल में अगर कोई मारा जाएगा तो गरीब आदमी मारा जाएगा, उसमें मिडिल क्लास के लोग मारे जाएंगे और कोई बड़े लोग या पॉलिटिक्स कोई भी उसमें आम जनता ही सफर करेगी, उसमें बड़े लोगों का तो कुछ है ही नहीं इसमें। आपका आप पे कितना फर्क पड़ा है? इधर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया किसी भी पार्टी की? क्यों आएगा, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। मेरे अकॉर्डिंग सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि क्यों रिएक्शन देंगे वो? अभी कांग्रेस को बोलना चाहिए, पता नहीं कांग्रेस सरकार चुप कैसे है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मोदी जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो उनको टाइम देना चाहिए था। एक आम आदमी के पास 500 और 1000 का नोट है, उनको क्या सफ़र करना पड़ रहा है? अगर वो बेचारे मार्केट में निकलते हैं, कोई दूध का पैकेट नहीं दे रहा है उनको, कोई पानी नहीं दे रहा है, जो रेगुलर यूज़ में चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है उनको। तो बादल जी के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं? बादल जी के लिए ऑफकोर्स मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जो सच्चाई के साथ और जो अच्छा काम करते हैं मैं उनके साथ हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। और मीडिया को मैं हमेशा धन्यवाद कहूँगी क्योंकि वो हमेशा सच का साथ देते हैं। बात करें फैशन शो में तो आप भी आज जाने वाली हैं, तैयारी आपकी भी है? हाँ यही है कि हम भी कुछ अच्छा करें।